हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग लाइव जुड़े तो मैं आपको आज के वीडियो के जो मेन हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलवाती हूँ, वीआईपी गेस्ट हमारे। मुझे पता चले कि आप लोग हैं लाइव तो यस, अब ये लाइव गया। हर हर महादेव, कुछ लोग जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को आज आज के हमारे वीआईपी गेस्ट से मिलवाऊंगी, जो आपको लिंगड़ी, जो यहाँ की हिमाचली डिश है, जिसका अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है, रायता भी बनता है, और इसके बड़े बहुत सारे फायदे भी हैं, तो ये आपको बताएंगी हमारी परम प्रिय यशोदा जी, जो हमारी, जिनको हम सिद्धू वाली आंटी बोलते हैं। गुड्डू उनको सिद्धू वाली आंटी बोलती हैं, लेकिन मैं उन्हें यशोदा जी बोलती हूँ, जिनके साथ अभी हम लोग एक दो दिन पहले वॉक भी कर रहे थे। तो अब उनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ, उनकी तरफ कैमरा कर रही हूँ, वो आपको बताएंगी कि वो अभी 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 कहीं से तो लिंगड़ी लेकर आई हैं, वो सारी डिटेल्स आपको वही देंगी। सो हियर यू गो। लिंगड़ी के बारे में बताते हैं। लिंगड़ी जो है हमारी लोकल सब्जी है, हमारी जंगल में होती है। इसमें बहुत, उसमें वो क्या बोलते हैं, विटामिन बहुत होते हैं जंगल में। जी इसमें इसकी बनती है, सब्जी बनती है इसकी, जी अचार बनता है इसका, और सब्जी बनती है इसकी, और खाने के लिए बहुत टेस्टी, और विटामिन इसमें बहुत अच्छी है। जी और लोग तो बहुत ज़्यादा इसको, तो आजकल तो मेरे ख्याल कितने हैं, 50 kg पर जाता है, 100 रुपये, 100 रुपये kg अच्छा, पर, और ओके। हमारे तो तो जंगल में मार्केट में मिलता है, मार्केट में मिलता है, मार्केट में भी मिलता मार्केट है। में मिलता है, जो हमारे यहाँ पर होते हैं जंगल में बहुत सारा। तो हम ये अभी, आप ये कहाँ से तोड़ के लाए हो? आप इस ये मैं मेरी यहाँ से जो झरना है अपना, नहीं, यहाँ पे साथ में अपने, अच्छा खेतों में ही लगी खेतों हुई में है। लगती है, अच्छा ये खेतों में लगती है, खेतों में लगती है, जंगल में बहुत सारी होती है। अच्छा इसकी आप एक बार इसको पास करके इसकी शक्ल दिखाइए तो कैसी दिखती है। ये देखिए, ये इस ये। तरह से जो जंगली जलेबी जैसी शेप है इसकी, बिल्कुल इसे हम जंगली जलेबी भी कहते हैं। इसमें जो थोड़ा थोड़ा, उसमें थोड़ा थोड़ा बाल होता है, उसको ऐसे साफ करके बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ साफ ही हो जाती है फिर। ओके और इसकी सब्जी इतनी टेस्टी बनती है इसकी, जी, और खाने के लिए बहुत अच्छा। रायता, रायता सबसे अच्छा। ओके अरे वाह, रायता बनाओ तो हम इसकी सब्जी बना सकते हैं, अचार बना सकते अचार हैं, बना और सकते, रायता बना रायता सकते बना हैं सकते उसके अलावा, और हम सब्जी बहुत कुछ डिश बनती है इसकी। तो इसको मिक्स वेजिटेबल के साथ बनाया जा सकता है या सिर्फ अकेले बनाना पड़ता नहीं, है? मिक्स में डालते हैं, मतलब पानी वाला नहीं चाहिए, अच्छा पानी वाला पानी वाला नहीं होना सूखी में टेस्टी चाहिए, बनती है, पानी में उतना टेस्ट नहीं। समझ गए हम समझ सर्दी गए। में जो, जब हमारी बर्फ गिरती है सर्दी में, उसको सुखा के रखते हैं, अच्छा सुखा के रखते हैं, फिर सूखी हो जाती है, फिर पानी में भिगो के रखो, हाँ और फिर बिल्कुल हरी बन जाती है, फिर उसकी हम सब्जी बनाते हैं। वाओ, तो हाँ ये तो अभी अभी जो हम अभी अभी जो फ्रेश लेकर आए हैं अभी आप, फ्रेश तो ये सीजन कब तक रहेगा? ये सीजन तो मई जून 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 जुलाई तक, जून जुलाई तक जुलाई हमें फ्रेश मिलेगी। फ्रेश बिल्कुल, ये तो वैसे मिलती है जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, अच्छा मतलब आजकल ज्यादा टेस्टी होते खाने के। अच्छा हम इसको कच्चा खा सकते हैं? कच्चा नहीं खा सकते, कच्चा नहीं खा कच्चा नहीं सकते, खा सकते, ओके। तड़के में बहुत अच्छे थे जब उसमें अच्छा, ठुमका मतलब लगी थी, इसको सिर्फ पका के ही खाया जा सकता है। पकाने अच्छा इसमें साइज का भी फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि हम जो अचार लेते हैं यहाँ पे, लोकल बंदा आता है जो अपना, उससे हम अचार लेते हैं तो साइज में बड़ी होती है वो, साइज में बड़ी होती ना, वो थोड़ी वो हार्ड होती है, अच्छा उसको अच्छा जो ये हार्ड है ना, हाँ उसको ये थोड़ी नरम, ये हार्ड में थोड़ा हार्ड है, उसको हम थोड़ा तो हम ऊपर कौन से सा काटे, हिस्सा पकाते हैं, ये डंडी पकाते हैं या ऊपर का हिस्सा पकाते हैं? ये बस ये नॉर्मल स्टेम्स, है ना, स्टेम्स पकाते ये हैं इसके। बिल्कुल कच्ची है ओके ना, हाँ हाँ और हाँ इससे ऊपर जो ये हार्ड है थोड़ा, इसको हाँ हम निकालेंगे, हाँ और इससे ऊपर जो जहाँ पर ये जितना पड़ेगा, ये भी हाँ हार्ड ये है, भी हार्ड और है, यस। इससे तो ऊपर हार्ड वाले में रेशे आ जाते हैं, हार्ड वाले में रेशे आ जाते हाँ हैं, यस यस, जैसे हमारी वो बीन्स होती हैं वहाँ पे हाँ मुंबई में, हाँ जो यस ये यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, देखो राइट हाँ, मुंबई में भी बीन्स जो होती है ना, फ्रेंच बीन्स, उनमें भी वो रेशे निकालने रेशे पड़ते हैं, उसमें तो वो निकाले यस ऐसे, साइड ये से वाले हाँ, यस ऐसे। यस 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अचार थैंक बहुत बता, इसमें अचार 12 महीने रखो, बहुत अच्छा लगता है इसका अचार, अचार बहुत टेस्टी है, बहुत मैंने मेरे टेस्टी, पास मैंने थोक के भाव भर दिया है इसको, क्योंकि इतना टेस्टी है वो अचार। हम लोग सब्जी, हम मुंबई भी ले गए और लवी भी मुंबई लेके गई है अचार इसका, क्योंकि वहां नहीं मिलता ये अचार। गोल गोल दाने को और मैं दिखाऊंगी आपको, हाँ
ऊपर मंदिर के पास ही अभी होते हैं जहाँ पेड़ होते हैं उसके गोल गोल दाने, उसका अचार भी बहुत अच्छा बनता है। उसको क्या तो बहुत कुछ है, यहाँ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और मैं यशोदा जी से जो है सीखती रहूंगी कि क्या क्या वो जो है। थैंक यू यशोदा जी, आपने ये सब इसके बारे में जानकारी दी, कुछ जानकारी। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ और हम यशोदा जी के साथ जो है नेक्स्ट करेंगे गुची के ऊपर, जो यहाँ की हिमाचल की सबसे महंगी डिश मानी जाती है। यस, गुच्छियाँ आपको दिखाएंगे हम लाइव ले जा करके। और गुची इज लाइक इट्स अ मशरूम, वन टाइप ऑफ मशरूम, तो हम लोग आपको वो भी दिखाएंगे। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मशरूम एक्चुअली एंड वेरी हेल्दी। अभी हम बात करते हैं लिंगड़ी की, तो लिंगड़ी के बारे में जो मुझे पता है वो ये कि अगर हम इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं या किसी भी फॉर्म में इसे खाते हैं, तो जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया का रोग है, ये उसको ठीक करती है। अगर वो रेगुलर खाया जाए तो ये गठिया के रोग को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो ये थी हमारी यशोदा जी। जड़ी बूटी की होती है ना, बड़ी जड़ी बूटी वाली, जो जंगल में जड़ी बूटी वाली, इसमें बहुत कुछ होता है। अच्छा, बहुत कुछ मिलता है हमें। तो इसमें भी अलग वैरायटी होती है या यही है? नहीं, यही होती, इसमें अलग होती है, उसको नहीं खाते। ओह, अलग भी होता है इसमें। ओके, इसका पत्ता थोड़ा ब्रीक होता है, इसका पत्ता थोड़ा। तो आप मुझे ले जाएंगी दिखाने के लिए, दोनों फर्क बताएंगी कि कौन सी हमें लेनी चाहिए जंगल से और कौन सा नहीं लेना चाहिए। साथ में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है जी जी, थैंक यू। यशोदा जी इज़ वेरी स्वीट, मैं उनसे अक्सर, हम उनको परेशान करते रहते हैं, कभी उनसे पौधे ले लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, तो कभी उनसे पौधे ले लेते हैं, कभी उनसे सिड्डू मांग लेते हैं, और वो बड़े प्यार से खिलाती भी हैं। और अभी मैंने देखा गुची नहीं, उनके पास ये हैं लिंगड़ी, तो वो जा रही थी, हमने, मैं शॉप में हूँ, बहुत कुछ दिखाएंगे यहाँ बैठे, बहुत कुछ दिखाएंगे सब। यस, जड़ी बूटी बोले आप, सब कुछ बोले, हर चीज की क्या जी क्या काम आता है, गुचियों की इतना काम है जी। और जितना भी बुखार हो, जितनी भी ठंड हो ना, हाँ, गुचियाँ पानी में उबाल कर गुचियों का पानी पियो। हाँ, ओ अच्छा, महंगी बिकती है, तो बहुत महंगी बिकती है, बहुत बुखार भी चलता, ज्यादा बुखार और ज्यादा ठंड हो ना, ठंड लग रही हो तब उसके लिए, मतलब गुच्छियां, एक गुच्छियां उसको पानी में भिगो के, पानी में डाल के उसको बॉइल करो, और बॉइल कर उसको छान के फिर उस पानी, अच्छा वो पानी को पिलाओ, गर्म पानी। तो अभी यशोदा जी ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आपको बहुत ठंड लगती है, शरीर में ठंड बैठ जाए, तो गुची क्योंकि बहुत गर्म प्रकृति की होती है, तो उसको एक या दो गुची को आप उबाल लें, और उसका जो पानी है, जो व्यक्ति बीमार है जिसको ठंड पकड़ गई है, उसको अगर वो पानी पिलाएं तो उससे उसको लाभ होता है, शरीर के अंदर गर्मी आती है और उसको तो अभी हम लोग ये सेशंस बीच बीच में मैं लाती रहूंगी, और यशोदा जी से पूछ के आपको भी बताती रहूंगी, जो यहाँ का लोकल सिस्टम है वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूंगी, और यहाँ की लोकल जड़ी बूटियाँ क्या क्या घर में खाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। नेक्स्ट तो मेरा पूरा प्लान है गुची के ऊपर, क्योंकि अभी उन्होंने कल गुचियां थोड़ी मुझे बुलाया नहीं। नहीं, मैंने बाहर रखी थी, आपको देख रही, आपको सिर्फ फोन करना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप कॉल चले गई, मैं ढूंढ लवी मैडम, इतने लंबे लंबे तो ये लिंगड़ी के फायदे आपने सुने, और अगर आपको थोक में लिंगड़ी चाहिए तो हमें आप बताएं, हम आपको 100 रुपए की लिंगड़ी 200 रुपए में देंगे, आपको लेनी हो तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। 10 रुपए की 20 रुपए में देंगे। जोक सपाट। ऐसा कोई काम हम नहीं करने वाले, आप अपना स्वयं हिमाचल आए, यहाँ की प्रकृति को समझें, यहाँ के गुणों को समझें, हिमाचल की सभ्यता को समझें, मुझे लगता है वो ज्यादा आपको आनंद देगा, क्योंकि मैं तो अब बहुत जल्दी हिमाचली बन जाऊंगी, मैं यहाँ से जाने तो वाली नहीं, मैं हिलने वाली नहीं हूँ यहाँ से, अब यहाँ से सीधा जाएंगे तो शिवधाम ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं हाँ, ये हिलेगी, ये पक्की कट्टर मुंबई कर है। मुंबई में कर, हिमाचल में। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, मुझे आपको ये दिखाना था, अभी मैं रात तक नहीं तो कल तक एक नया वीडियो पोस्ट करूंगी, जिसके लिए मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि पाइन कोन्स के क्या क्या फायदे हैं, तो मैं अभी वही वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैं वो एडिट करके कल तक, मोस्टली कल तक
पोस्ट कर दूंगी, उसको भी आप इंजॉय कीजिएगा। आज आपने यशोदा जी को हमारे साथ सुना, अब मैं यशोदा जी को फिर से आपके पास लेकर आऊंगी और हम और चीज़ों के बारे में जानेंगे और एक दिन जाएंगे लाइव करेंगे, हम लिंगड़ी को समझेंगे कि दो प्रकार की उन्होंने बताया कि लिंगड़ी होती है, एक को खाया जाता है दूसरी को नहीं खाया जाता है, तो उस गुच्छियों में भी फर्क होता है, तो किसको हमें खाना है किसको अवॉइड करना है ये जानना। जब आप हिमाचल में लोकल फूड को इंटरेस्ट लेते हैं, लोकल फूड में या हर्ब्स में या स्पाइसेस में या यहाँ की जो जड़ी बूटियां उसके अंदर, तो ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ जहरीली प्रकृति की जड़ी बूटियां भी हैं और कुछ जो है पोषक तत्व वाली हैं, तो हमें उन दोनों में फर्क जो है यशोदा जी से पता चलेगा। तो हम लोग जाएंगे आपको लाइव लेकर चलेंगे और तब मैं आपको बताऊंगी, यशोदा जी आपको बेसिकली बताएंगी कि कौन सी लिंगड़ी अच्छी है और कौन सी लिंगड़ी नहीं अच्छी। तब तक के लिए तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।